नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। सीएए के खिलाफ यूपी के इटावा में प्रदर्शन के दौरान एसएसपी संतोष मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। युवकों के पास जाकर उन्हें प्यार से समझाया और कहा, तुम लोगों को यहीं रहना है, पढ़ना भी यहीं है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए प्रदर्शन छोड़ो और घर जाओ। पुलिस अफसर ने इसी के साथ लोगों से उन अफवाहों पर यकीन करने से मना किया जिनमें यह कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीए के तहत लोगों को देश से बाहर किया जाएगा। एसएसपी जब ये सारी बातें युवकों को मौके पर समझा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यही रहना है सबने, याद रखो यही रहेगा, तो कल भी यही रहेगा, अपना भी। तो ये जितने भी है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत के किसी भी नागरिक को, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर मोहम्मद। ताहिर, किसने कह दिया कि कहाँ जाना है? यही रहना है, पढ़ना भी है, स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को। किसने कर दिया कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद? यही रहना है, यही पढ़ना है। और ये पीछे देखो, इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है, मेहनत भी करनी है। तो कोई भी अफवाह फैलाए, कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे कि ये बिल आ गया, वो कानून आ गया जिसमें इनको यहाँ निकाल देंगे, वहां निकाल देंगे, बिल्कुल अफवाह है, सब झूठ है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये कानून का सिर्फ एक ही मकसद है, जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले लोग ही नहीं है, उनके लिए कानून है। जो भारत के हैं, जो यहीं रह रहे हैं, इटावा में रह रहे हैं, उनको इस कानून से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके मतलब का चीज है ही नहीं। और तुमको तो खासकर नहीं घबराना, तुमने नाम बता दिया अपना, मेरे को याद रहेगा, ठीक है? यूपी की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।